प्रियंका गांधी के छत्तीसगढ़ के दौरे को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को पॉलिटिकल टूरिस्ट बताया। उन्होंने आगे कहा कि वे टूरिस्ट की तरह पॉलिटिक्स करते हैं, कभी कभी राजनीतिक पर्यटन के लिए छत्तीसगढ़ आ जाते हैं। वित्त मंत्री के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि ओपी चौधरी खुद एक्सीडेंशियल पॉलिटिशियन है, उन्हें अभी राजनीति का अनुभव नहीं है। मोदी जी देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण और शक्तिशाली नेता हैं। आदरणीय अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी आज समाज देश के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण है। इन लोगों के आने से निश्चित रूप से हमारी पार्टी को एक बड़ा फायदा होगा, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि इस बार के चुनाव में मोदी जी की लहर ही नहीं सुनामी चल रही है और हमारे और जो वरिष्ठ नेता हैं उससे उस सुनामी को और बल मिल रहा है। सरकार के सभी एजेंसियों को पता है, सेंट्रल की एजेंसियों को पता है कि सभी रिपोर्ट लगभग भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं तक पहुंच गया है, इसीलिए हड़बड़ा गए हैं और लगातार दौरा हो रहा है। देखिए कल दौरा होने के बाद जिस तरह से विधानसभा में डांट पड़ता था वही फिर कल नेताओं को डांट पड़ने वाली है। इस समय भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बुरी तरह से हार रही है और भारतीय जनता पार्टी के तुलना में कांग्रेस इस समय छत्तीसगढ़ में ज्यादा सीटें जीती।